मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे आपकी बुक का चैप्टर थर्ड था आपका सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का मींस क्या होता है कौन बताएगा मुझे? आप सबको पता है सेफ्टी का मींस होता है आपका सुरक्षा, एंड फर्स्ट एड का मींस क्या होता है आपका प्राथमिक उपचार। ठीक है, तो सुरक्षा और प्राथमिक उपचार, पहले तो सुरक्षा करनी है। अगर बाय चांस आपसे केयरलेस हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया और एक्सीडेंट हो जाता है आसपास के एरिया में, तो आपको क्या करना होगा उसका फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मींस होता है प्राथमिक उपचार। हॉस्पिटल ले जाने से पहले जिस भी उसको पर्सन को चोट लगी है, जो भी इंजर्ड पर्सन है, उसको आपको प्राथमिक चिकित्सा देनी है। उसके चोट वोट पे ट्यूब वगैरह या फिर डिटॉल से साफ करना, वही आपका फर्स्ट एड होता है। तो हमने ये पढ़ लिया था जितने भी आपके रूल्स होते हैं ट्रैफिक रूल्स। आज हम पढ़ेंगे सेफ्टी ऑन दी रोड, कि हमें रोड पे सड़क पे कैसे सुरक्षा करनी है अपनी। तो रीड करते हैं, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सेफ्टी ऑन दी रोड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर बिफोर बिकॉज ऑफ द रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स। जो व्हीकल्स आपका, व्हीकल्स मीन्स होता है वाहन, इट मीन्स बस या जितने भी आपके व्हीकल्स, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, कार हो गई, बिसाइकल हो गई, ये सब आपके क्या हैं? व्हीकल्स। ठीक है, तो जो ये था इसका मीनिंग ये बनता है आपका, जो भी हमारी वाहन है, जैसे जैसे वाहनों की संख्या, इसमें बोला गया है ना इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, जैसे जैसे वाहनों की, आज के टाइम में क्या हो रहा है सब अपने अपने व्हीकल्स ले लें, तो इससे नंबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। तो जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है आज के टाइम पे, तो हमें रोड पे चलते समय उनसे सुरक्षा की और भी ज़्यादा आवश्यकता है। पहले तो कम होती थी, लेकिन इस टाइम पे आप बाहर निकलते हो सड़क पे तो बहुत ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ होती हैं, तो उनको रोड क्रॉस करते समय आपको अपना पूरा ध्यान रखना है, अपनी पूरी सुरक्षा करनी है। तो आपका मतलब इसमें मतलब यही बोला गया कि वाहनों की संख्या में तेज़ी से वृद्धि के कारण सड़क पर सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, तभी आप सेफ रह सकते हो। अगर आप केयरलेस करोगे तो आपका एक्सीडेंट या आप इंजर्ड हो सकते हो। नेक्स्ट लाइन आपकी, बीइंग केयरलेस ऑन दी रोड कैन लेड अस टू सीरियस एक्सीडेंट। अगर आप सड़क पर लापरवाह होने लग जाओ, आप ध्यान ना दो, ठीक है, तो आप के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है, और उसका रीज़न आप ही होंगे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो। ठीक है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। वी ऑल शुड फॉलो द सेफ्टी रूल्स ऑन दी रोड। हम सभी को सड़क पर सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्नड ऑल अबाउट ट्रैफिक लाइट्स। हम जो प्रीवियस क्लास थी, हमने उसमें ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पढ़ा था, जो ये वाली थी हमने ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पढ़ा था। दिस साइंस आर कॉल्ड रोड साइंस और ट्रैफिक साइंस। जो नीचे वी हैव लर्नड ट्रैफिक लाइट्स, फुटपाथ, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, इसका उनके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। वी सी मैनी साइंस ऑन दी, हम रोड पर जब भी कहीं भी जाते हैं, आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, तो हमें बहुत सारे साइंस दिखते हैं। साइंस मीन्स होता है चिन्ह। कभी सोचो आप लोग सिग्नेचर, मैम का सिग्नेचर, नहीं, साइंस मीन्स होता है चिन्ह। ठीक है, दिस साइंस आर कॉल्ड रोड साइंस। इन चिन्हों को हम सड़क का चिन्ह कह सकते हैं, ट्रैफिक साइंस कह सकते हैं। वी ऑल शुड लर्न फॉलो दिस साइंस। हमें जो ये साइंस है, इन सबको फॉलो करना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। पहला है ये जो साइन है, ये आपका ऑन वे साइन। जब सड़क पे होंगे तो ये साइन होता है कि ऑन वे का साइन। और जो ये है, ये यू टर्न का साइन है, बट इसके ऊपर बैन लगा दिया गया, तो इट मीन्स नो टर्न। क्या है? नो यू टर्न। ये देखो हॉर्न का साइन है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके ऊपर बैन लगाया गया, तो नो हॉर्न, मतलब आपको हॉर्न नहीं बजाना। ये देखो, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग, और इस पर कोई पर्सन दे रखा है और वो यहाँ पे क्रॉस कर रहा था, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का साइन। अब ये पी है, ठीक है, पी मीन्स पार्किंग होता है, बट इस पर बैन लगाया, इट मीन्स नो पार्किंग। जहाँ पे ये साइन है आपको अपनी गाड़ी वहाँ पार्क नहीं करनी। ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बीइंग केयरलेस ऑन द रोड कैन लेड अस टू सीरियस जैम, इलनेस, एक्सीडेंट। अगर आप केयरलेस होंगे तो आपके एक्सीडेंट्स हो सकता है रोड पे। द साइन ऑन द रोड आर कॉल्ड रोड साइंस, ट्रैफिक साइंस, बोथ। तो हम रोड साइंस भी कह सकते हैं, ट्रैफिक साइंस भी, इट मीन्स बोथ। वी शुड यूज डैश टू क्रॉस द रोड। हमें रोड क्रॉस करते समय किसका यूज़ करना चाहिए? फुटपाथ का, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का, या व्हीकल्स का? हमें वी शुड यूज ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। ओके, अब हम पढ़ेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर। हमें आग से सुरक्षा कैसे करनी है? ठीक है, ये था जो आपका सेफ्टी फ्रॉम फायर। फायर स्प्रेड वेरी फास्ट, जो हमारी नहीं, यहाँ था कॉजेस।
इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के कारण हो सकती है। अनसेफ सम ऑफ थिंग लाइक मैचस्टिक, पेट्रोमैक्स, केरोसिन एंड फायर गैस, इन सब का यूज़ अगर आप ठीक से नहीं करते हो तो आग लग सकती है। गैस लीकेज किचन में अगर गैस लीक कर रही है तो भी आग लग सकती है आसपास के एरिया पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रिवेंशन, बाय फॉलोइंग द रूल्स गिवन बिलो वी कैन कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम फायर एक्सीडेंट। हम इन रूल्स को फॉलो करके खुद को आग से बचा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका जो रूल है, वी शुड हैंडल मैच बॉक्स, कैंडल्स एंड गैस स्टोव एटसेट्रा केयरफुली। तो हमें क्या करना है, जो आपकी मैच बॉक्स होती हैं, माचिस होती हैं, कैंडल्स मोमबत्तियाँ होती हैं, गैस स्टोव होता है, इनका जो रख रखाव है बिल्कुल सही तरीके से रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए जिससे कोई मिसहैपनिंग हो। वी शुड अवॉइड नायलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ व्हाइल कुकिंग और बर्निंग क्रैकर्स। आपको किचन में काम करते समय या कुकिंग करते समय या फिर क्रैकर जलाते समय नायलॉन या सिंथेटिक यानी कि सिंथेटिक क्लॉथ होते हैं जो मेन मेड होते हैं, जिन्हें मानव बनाता है, जिन्हें हम लोग बनाते हैं, वो क्लॉथ आपको अवॉइड करने, वो आपको नहीं पहनने क्योंकि वो जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग शुड बी चेक्ड रेगुलरली। जो भी आपका जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक सिस्टम रखा जैसे कूलर वगैरह, उनकी वायर हमेशा चेक करते रहने चाहिए, कभी किसी ने कट ना कर दियो, उससे भी मिसहैपनिंग हो सकती है। व्हेन देयर इज़ अ गैस लीकेज वी शुड नॉट यूज़ लाइटर। अगर आपके घर में कैसे भी मतलब आसपास कहीं भी गैस लीकेज हो जाती है तो आपको क्या करना है, लाइटर यूज़ नहीं करना, मैच बॉक्स और ऑपरेट यानी कुछ भी यूज़ नहीं करना, जो इलेक्ट्रिक स्विच होती है वो भी नहीं। वी शुड ओपन ऑल दी, तो आपको क्या करना है, आपके डोर और विंडो ओपन कर देने और जो गैस आपके घर में फैली होगी वो आपके घर से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है फायर फाइटिंग, हमें आग से बचाव कैसे कर सकते हैं। फायर कैन बी पुट आउट बाय द फॉलोइंग मेथड। फायर को हम कैसे दूर कर सकते हैं, देखो, फर्स्ट व्हेन पेपर और वुड इज़ ऑन फायर इट कैन बी एक्सटिंग्यूश्ड बाय थ्रोइंग वाटर ओवर इट। जब आपके कागज या लकड़ी पे आग लग जाती है तो आपको उस पर पानी डालकर उसे बुझा सकते हो, जैसे कि इसमें दिखाया गया, देखिए। फिर सेकंड है, व्हेन द फायर इज़ कॉज्ड बाय पेट्रोल इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड। अगर आपकी जो फायर है या आपकी आग है अगर वो पेट्रोल से लगी है तो उसको आपको सैंड या मड डालकर मतलब मिट्टी या बालू डालकर उसे बुझा सकते हो, ठीक है। थर्ड आपका जो पॉइंट है वो है व्हेन अ पर्सन क्लॉथ्स कैच फायर। जब किसी व्यक्ति के कपड़े फायर को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, आस्क हिम टू रोल ऑन द ग्राउंड, कवर हिम विद अ ब्लैंकेट। तो उसे क्या करना है, आपको एक कंबल लेना है, उसमें लपेटना है और ज़मीन पे उसे रोल करना है, लाइक दिस डायग्राम, ओके। फिर व्हेन द फायर इज कॉज ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। अगर आपके यहाँ इलेक्ट्रिक शॉर्ट के कारण आग लगी है तो आप उस पर मिट्टी डालकर उसे बुझा सकते हैं, और जो आपका मेन स्विच है उसे बंद कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी, और उससे आप आग को फैलने से बचा सकते हैं। स्मॉलर फायर आर ऑल्सो एक्सटिंग्विश्ड बाय सम स्पेशल डिवाइस कॉल्ड फायर। जो छोटी मोटी आग लगी होती है उन्हें आप एक उसके लिए स्पेशल डिवाइस होता है, उपकरण होता है जिससे आप बुझा सकते हो, उसे बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इफ़ दे आर अवेलेबल वी मस्ट लर्न टू यूज़ देम। अगर ये अवेलेबल है तो हमें उसका यूज़ भी आना चाहिए। इन केस ऑफ बिग फायर वी शुड अबाउट फोर हेल्प इमीडिएटली 101। अगर आपके आसपास कोई बड़ी आग लगी होती है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी ऑन आवर टेलीफोन, और आपको क्या करना है 101 पर डायल करना है, ये आपका फायर ब्रिगेड का नंबर होता है, ओके। फिर MCQs करते हैं, द फायर कॉज बाय पेट्रोल कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय। जब पेट्रोल के कारण आग लगी होती है तो हम उसे किससे बुझा सकते हैं, सैंड से, ओके। विच नंबर शुड बी डायल टू कॉल फायर ब्रिगेड। आपको फायर ब्रिगेड को बुलाने के लिए किसका नंबर डायल करना चाहिए, 101 का, ओके। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट वी शुड स्विच ऑफ दी। जब इनके शॉर्ट सर्किट के केस में हमें क्या करना चाहिए, स्विच ऑफ कर देना चाहिए एयर कंडीशन का, फैन कूलर्स का या मेन सप्लाई का। तो हमें क्या करना चाहिए, मेन सप्लाई का ये बंद करना चाहिए। तो आज की जो आपकी क्लास है इतनी ही थी, ओके। तो आपको क्या करना है, होमवर्क में MCQs फिल करने बुक में, और ये पूरा चैप्टर केयरफुली रीड एंड राइट लिसन करना, ओके। थैंक यू।